आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आगामी 2022 विधानसभा में अब की बार फिर से खेलेगा कमल, या होगी साइकिल की सवारी, या खड़ उठेगा हाथी, या पड़ेगा सभी में पंजा भारी। जानते हैं जनता से क्या है जनता की तैयारी। तेजस 24 न्यूज की टीम ने एक सर्वे के दौरान विधानसभा 199 जसवंत नगर लोगों से उनकी राय जानी, जिसमें लोगों को गायों और बेरोजगारी को लेकर बहुत परेशान दिखे, जिसमें कुछ लोग बीजेपी से नाखुश दिखे व कुछ खुश भी दिखे। लेकिन अब की बार लोगों ने कहा है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में हम बदलाव देखना चाहते हैं। दूसरा हाल से संवाददाता गौरव शाके की रिपोर्ट। मैं हूं गौरव शाके, तेज 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं विधानसभा जसवंत नगर 199 में मोर्चा टाणियार में मौजूद हूँ, जहाँ की समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, जो सतपाल सिंह की रिजर्व सीट है। आइए जानते हैं यहाँ क्या बीजेपी यहाँ घात लगा पाएगी। जनता से पूछते हैं क्या कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी। समाजवादी पार्टी इस सरकार में लोग कहते हैं गुंडा राज खत्म हुआ है, गली गली दिखाई दे, गुंडा राज बढ़ गया है, बहुत आराम है सरकार में। इस सरकार में सबसे ज्यादा आराम है आप कहते हैं। अरे सब बेरोजगार घूम रहा गलियों में, युवाओं को नौकरी नहीं, युवाओं को कोई नौकरी नहीं। अच्छा, गांव गली सड़कें बढ़िया। अच्छा, पेट्रोल लोग इतने खड़े हैं, परेशान है, काय के लिए परेशान है। इस बार आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? बीजेपी को। बीजेपी में ऐसा नहीं, जब क्या लाभ दिए, गैया ढील रहे हैं, देखो इनके खेत खा रहे हैं गैया, जे ही ढील रहे हैं, योगी थोड़ा ढील रहा हुआ है। अच्छा, पेट्रोल महंगी, और आप जाते हैं आपको कुछ तो समस्याएं होंगी, पेट्रोल भी महंगा कर दिया है और गैस चूल्हा भी। क्या लाभ है सरकार से, क्या ऐसा गैस चूल्हा का दो है, और जो फ्री कनेक्शन ले रहे ताको नहीं कहे हो, जो फ्री कनेक्शन ले है। आप 50,000 रुपया लगी उतर है महीना पे। कनेक्शन वाला तो एक बहाना था, वो दे दिया, लालच दे दिया। जो लालच तो सब सरकार दे रही है, वोटों के टाइम है, सब लालच दे रही है कि हम तो मैं जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब जो वोट ले रही है फिर कुछ नहीं करे। और रेलवे, रेलवे सब बिक गया, उसका क्या, कहाँ रेलवे गई है, सही बोलो, कुछ नहीं बिक गई है, कहाँ रेल बिकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र यादव। अच्छा, चुनाव में आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी। नार सिंह यादव। अच्छा, इस बार आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी की। अच्छा, वो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि समाजवादी पार्टी ने ऐसे ऐसे काम कराए, इतना विकास कराया है कि कोई विकास ऐसा बाकी नहीं जो यहाँ कराया नहीं है। अच्छा, और लोग तो कहते हैं तो बीजेपी का सपोर्ट करना चाहते हैं, उन्होंने गुंडागर्दी खत्म कर दी है। उन्होंने कुछ गुंडागर्दी खत्म नहीं कर दी है, ये सब लोग जो है झूठी बात करते हैं और झूठों का पुलंदा बांधे हुए हैं। अच्छा, हाँ कहते हैं कि वो 15 लाख रुपया जनधन खाते में आ जाएगा, एक भी पैसे नहीं आया, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, सब 5 किलो गल्ला देते हैं। अच्छा, तो साल में 750 रुपये गल्ला दे देते हैं और 2000 रुपये का सिलेंडर निकाल लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? महेश। अच्छा, 2022 के चुनाव में आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करना चाहती हूँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या है? ऐसा बहुत कुछ है, उन्होंने जो विकास अखिलेश जी ने किया है वो आज तक किसी ने किया है, और भविष्य में आगे क्या होगा वो जानते नहीं है, लेकिन आज तक इतना विकास किसी पार्टी ने नहीं किया है। अच्छा, वो क्यों नहीं पसंद? योगी जी ने तो विकास कुछ नहीं किया है, बच्चों को कटोरा पकड़ा दिया स्कूल में। अच्छा, अखिलेश जी ने क्या क्या विकास किए हैं? अखिलेश जी ने देखिए 100 नंबर गाड़ी एक चलाई थी। हाँ। वो सबको पुलिस मतलब सहायता करती है, और
बच्चों एक वो 8 नंबर चलाई थी, वो किसी के यहाँ बेचारा गरीब आदमी है जिसके बच्चे पैदा होते वो गाड़ी नहीं कर पाता था, बच्चा बेचारा परेशान सब होते थे। अब वो लोग मतलब 108 नंबर तुरंत उपलब्ध होती है और बेचारा गरीब आदमी अस्पताल तक पहुँचाता, बांध अगर परेशानी तो दूसरे अस्पताल तक पहुँचाती है। अच्छा, मेट्रो ट्रेन चालू करी, मेट्रो ट्रेन चालू करी और देखिए भाई और काफी उन्होंने विकास बहुत विकास योगी सरकार से आपको क्या वो है वो बहुत अच्छी की थी भाजपा काट दी इसने। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज़।